हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक इन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सो लास्ट टॉपिक इज़ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग मीन्स जैसे किसी पर्सन की कुछ एडवांटेजेस होती हैं, उसी तरीके से कुछ लिमिटेशन भी होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है अकाउंटिंग की भी कुछ लिमिटेशन है। सो व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? सो फर्स्ट इज़ रिकॉर्डिंग ओनली मॉनेटरी टर्म्स। Recording only monetary terms. According record only those transaction and event which can be measured in term of money. Qualitative element are ignored. For example, number of honest employee. तो recording के अंदर किसी money के term में ही recording किया जाता है, किसी honest की employee को नहीं बताया जा सकता। For example, change in management, reputation of business and labor relation and firm ability to develop of new product and efficiency of management and satisfaction of customer. तो ये क्वालिटेटिव एलिमेंट है जिसको इग्नोर किया जाता है, जिसके बारे में अकाउंटिंग जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाती। अकाउंटिंग ये इंफॉर्मेशन नहीं दे बता पाती कि मैनेजमेंट में क्या चेंजिंग हुई है, और अकाउंटिंग ये नहीं बता पाती कि इफ़िशेंसी ऑफ मैनेजमेंट कितनी है, और अकाउंटिंग ये भी नहीं बता पाती कि सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर, कितने कस्टमर सेटिस्फाई हैं। बिकॉज अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग ओनली द मॉनेटरी टर्म, सिर्फ ये कैलकुलेट कर सकती है कि वाट कितना गुड्स परचेस किया गया, कितना सेल किया गया, कितनी मनी रिसीव हुई, कितनी पेमेंट किया। तो दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। द फर्स्ट लिमिटेशन इज़ रिकॉर्डिंग एंड मॉनेटरी टर्म्स, एंड सेकेंड इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, द वैल्यू ऑफ ऑलवेज चेंज ड्यू टू इन्फ्लेशन। सो अंडर एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम अकाउंट आर मेंटेन हिस्टोरिकल कॉस्ट इग्नोरिंग करेंट चेंज वैल्यू। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि हमेशा हिस्टोरिकल जो उनकी कॉस्ट होती है उस पर जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है कि जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकल के आते हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है चेंज इन प्राइस पे, क्योंकि इन्फ्लेशन जो होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, महंगाई जो होती है वो बढ़ती रहती है। तो हमारी जो कॉस्ट होती है वो हम अपनी पुरानी कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, बट बीच में होता क्या है कि वो उस कॉस्ट की प्राइस बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से हम सही इन्फॉर्मेशन उसकी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ अ बेस्ड ऑफ ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। सो इसका आउटकम क्या निकल के आता है? द आउटकम फॉर दिस प्रैक्टिस इज दैट बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ एसेट्स आर नॉट हेल्पफुल इन दी एस्टिमेट द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। तो इससे ये होता है कि जो फाइनेंशियल पोजिशन बिजनेस की ट्रू निकल के आती है, सही निकल के आती, वो सही नहीं हो पाती, बिकॉज क्योंकि ये हेल्प नहीं कर पाती वैल्यू, क्योंकि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, बट जो करेंट चेंज होती है वो इनके ऊपर नहीं पता चल पाता। सो दिस इज़ अ सेकेंड लिमिटेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एंड थर्ड इज थर्ड पॉइंट इज़ द अल्टरनेटिव मेथड यूज। देयर एग्जिस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ अल्टरनेटिव मेथड इन डिटरमाइन डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। सो इन्फॉर्मेशन इज मिसलेंडिंग एंड द अल्टरनेटिव मेथड इज यूज टू अचीव पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कभी कभी जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग की मीन्स ये हो सकता है कि पर्सनल मोटिव के लिए मेथड को वो चेंज कर देते हैं, पर्सनल मोटिव के लिए मेथड को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टॉक के टू मेथड होते हैं, एक होते हैं कॉस्ट प्राइस मेथड, एक होता है मार्केट प्राइस। तो कभी कभी वो अपनी प्रॉफिट के लिए वो मेथड को चेंज कर देते हैं, तो जिससे ये होता है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो रॉन्ग हो जाती है। जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रॉन्ग कैलकुलेट होती है तो गवर्नमेंट और बैंक जो भी डिसीज़न लेता है वो उसके अकॉर्डिंग रॉन्ग डिसीज़न ले लेता है। सो दिस इज़ अ अल्टरनेटिव मेथड यूज़। तो अल्टरनेटिव मेथड जो यूज़ किया जाता है कभी कभी उसको पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेसमैन रॉन्ग तरीके से यूज़ कर लेता है, तो जिसका जो है इफ़ेक्ट ये होता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाती है और गवर्नमेंट भी रॉन्ग डिसीज़न उसके अकॉर्डिंग ले लेती है। सो दिस इज़ अ थर्ड लिमिटेशन। एंड फोर्थ इज़ अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एक्सेस्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल,
there is some transaction which are recorded the basis of estimation. For example, estimating the useful life on assessed, providing for doubtful debts, not realizable value of closing stock. तो कभी कभी इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. सबसे पहले कि डाउटफुल डेब्ट्स होते क्या हैं? डाउटफुल डेब्ट्स ये होते हैं कि मान लिया किसी को हमने गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट पे, उधार पे, तो वो हमारे लिए क्रेडिट डेटर्स हो गया. डेटर्स हो गया कि जिसको हमने गुड्स सेल किया है क्रेडिट पे, उधार पे, तो वो हमारे लिए डेटर्स हो गया. तो कभी कभी ये होता है कि ये कभी कभी एस्टिमेट किया जाता है कि मान लिया 1 लाख का गुड्स हमने सोल्ड किया क्रेडिट पे, उधार पे, तो कुछ ऐसे डेटर्स होते हैं कि जो डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं, मतलब 30% कुछ ऐसे होते हैं कि जो पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उनको पहले ही एस्टिमेट हम कर लेते हैं कि वो 30,000 रुपये हमको नहीं मिल पाएगा. मतलब डाउटफुल में होता है, दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं. तो जिसके लिए जब हम उसमें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अप्लाई करते हैं, बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इससे प्रॉब्लम ये होता है, जो रिज़ल्ट होता है वो डिफरेंट आता है. क्योंकि ये हो सकता है कि कुछ इसमें डेटर्स होते हैं जो पैसा दे देते हैं, बट हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि नहीं, वो पैसा हमको नहीं मिल पाएगा. तो इससे फिगर ऑफ और प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस बाय डिफरेंट पर्सन. सो फिगर ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट टेक इन द एग्जैक्ट फिगर. तो जो सही फिगर आना चाहिए वो फिगर सही नहीं आ पाता, क्योंकि हम पहले ही इसमें एस्टिमेट कर चुके होते हैं कि वो पैसा हमको नहीं मिल पाएगा. क्योंकि कुछ ऐसे डेटर्स होते हैं जो पैसा पे करने की कंडीशन में नहीं होते हैं, तो उनको हम पहले ही जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये पैसा हमको नहीं मिल पाएगा. तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिससे कि जो रिज़ल्ट निकलना चाहिए वो रॉन्ग रिज़ल्ट निकल आता है. तो दिस इज़ अ अकाउंटिंग नॉट एक्सेप्ट फुल्ली. एंड फिफ्थ लिमिटेशन इज़, व्हाट इज़ द फिफ्थ लिमिटेशन? अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग. सो अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग. सो विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट इन वे ऑफ एज वर्चुअल फैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इनकम स्टेटमेंट फेल टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस. फॉर एग्ज़ाम्पल, अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, कभी कभी ये होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं. अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना, तो वो मैनिपुलेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. जैसे एग्ज़ाम्पल कि अगर बैंक से लोन लेना है, तो उनको अपने बिजनेस में ये दिखाना पड़ेगा कि उनके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उसको चेंज कर देते हैं और प्रॉफिट शो कर देते हैं, जिससे उनको इजी वे में लोन मिल सके. तो ये विंडो ड्रेसिंग का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको वो अपने अकॉर्डिंग चेंज करके अगर लॉस हो रहा है तो उसको प्रॉफिट दिखा देते हैं. क्योंकि अगर बैंक में हमको लोन अप्लाई करना है, तो हमको बिजनेस में प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा कि जिससे हम इजी वे में बैंक से आसानी से लोन पा सकें. सो दिस इज़ द लास्ट लिमिटेशन, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग. सो चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, फर्स्ट चैप्टर इज़ कम्प्लीट.